मध्य प्रदेश शासन के ओजस्वी कर्मठ मुख्यमंत्री परम सत्य कमलनाथ जी, हमारे इंदौर शहर के प्रभारी, मेरे छोटे भाई बाला बच्चन जी, सम्मानी सांसद शंकर ललवानी जी, अभी आपने जहां पर मुख्यमंत्री जी का अनुभव हो उसमें नए सोच जुड़ जाए, ऐसे तरुण मंत्री जयवर्धन जी, अभी इंदौर की आवाज तरुण के रूप में आपने सुनी, जीतू पटवारी जी, रमेश जी, विनय जी, विशाल जी, प्रमोद टंडन जी, नरेंद्र जी, सदाशिव जी, संजय शुक्ला जी, मोहन सेंगर जी, पंकज संघवी जी, चिंटू चौकसे जी, अभय दुबे जी, कोई भी पवित्र काम करो तो मात शक्ति का होना बहुत जरूरी है। शोभा जी, नगर निगम में हम सब की आवाज हमारी बेटी फौजिया शेख हलीम जी, अर्चना जी, पूर्व विधायक मेरे अनुज सत्यनारायण पटेल जी, रघु जी, विधायक जी, हेमंत जी, मंच पर बैठे सभी वरिष्ठजन, सम्मानी पार्षदगण, इस विभाग के सभी सम्मानी अधिकारीगण उपस्थित, हमारे अपने परिवार के सभी सम्मानी सदस्यगण, वाकई में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नगर इंदौर में आज ऐतिहासिक दिन है कि जिस व्यक्ति ने 2011 में आवंटन दिया हो कि मध्य प्रदेश का सपना और उस सपने में इंदौर हो, इंदौर का विकास, इंदौर की प्रगति तभी संभव है कि इंदौर को नई सोच के साथ, नई विचार के साथ उससे मेट्रो इंदौर में चले। 2011 में जो धनराशि आवंटित की थी, कई लोग ये जानते हैं, जब केंद्र में कमलनाथ जी केंद्रीय मंत्री थे, इंदौर को लगभग 27,000 करोड़ की सौगात देने वाला कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम कमलनाथ जी है। आज इंदौर के इतिहास में, विकास और प्रगति में एक नया विश्वास, एक नींव की पत्थर विकास के अंदर ये मेट्रो ट्रेन साबित होगी। इसलिए इंदौर की जनता की ओर से मैं मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये जो ये सरकार है ये आपकी है। जो कमलनाथ जी ने वचन दिया था उस वचन के प्रति ये सरकार कटिबद्ध है, कटिबद्ध है। आज उसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा मेट्रो की रेल परियोजना का भूमि पूजन हुआ है। जिस प्रकार से ये ट्रेन चलेगी, ये सेतु का काम करेगी, समन्वय का काम करेगी, सामंजस्य का काम करेगी, ये मैंने कहा था कि ये सरकार कटिबद्ध है। एक सबसे बड़ी सरकार की विशेषता है, जो ये सरकार बोलती है
वो करती है। ये सरकार में एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, उस व्यक्ति का नाम कमलनाथ जी है। क्योंकि आप जानते हैं, अभी मेरे अनुज जीतू पटवारी जी ने जो भावनाओं से जुड़ा, रोजगार से जुड़ा, देश में इंदौर की पहचान कपड़ा मिल से होती थी, जो श्रम बहाता था उसकी समस्याओं का समाधान हो, मैं भी उनके स्वर में स्वर मिलाता हूं, मैं भी अपनी भावनाओं को सम्मिलित करता हूं। मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध कर रहा हूं कि यह सौगात के साथ कर्म मिल जाए, श्रम मिल जाए, तो एक नया संदेश मध्य प्रदेश में जाएगा। इसलिए मेरी भी आपसे अनुरोध है कि आप कर्म में, करने में विश्वास करते हो, जब श्रम की बात आएगी, श्रमिकों की बात आएगी, उसके अंदर भी मेरा आपसे अनुरोध है, अति शीघ्र कोई ना कोई समाधान आपको करना है। एक समस्या, कुछ कमी आएगी इंदौर में, मेट्रो चलेगी तो नई सौगात तो मिली है, पर एक समस्या यातायात की, क्योंकि 30 लाख का हमारा आपका इंदौर है, यातायात भी ठीक करने की जवाबदारी हमारी अपनी सरकार की है, क्योंकि हमारे सरकार के अभिन्न अंग मुख्यमंत्री जी के साथ, यहाँ के प्रभारी मंत्री बाला भाई से मेरा अनुरोध था, पहले भी अनुरोध किया था मैंने, क्योंकि पुलिस विभाग, गृह विभाग आपके पास है, यातायात में मुझे आपसे अनुरोध है कि यातायात इंदौर का ठीक हो, ये भी अनुरोध मैं आपसे करता हूं। क्योंकि आप जानते हैं, इंदौर का समग्र विकास तभी संभव है, विधानसभा 1, 2, 3, 4 और 5, जीतू भाई 6, जब तक शहर और जिले का समन्वय नहीं होगा, जब तक जिले का और शहर का संगम नहीं होगा, तो समग्र विकास कहीं ना कहीं थोड़ा कष्ट होगा। मुख्यमंत्री जी से मैंने भोपाल में भी अनुरोध किया था, तरुण मंत्री जयवर्धन जी से भी अनुरोध किया था कि ये मेट्रो की सौगात आपके नेतृत्व में सांवेर तक जाए, ये मेरी सांवेर की ओर से ये प्रार्थना है, ये अनुरोध मैं आपसे करता हूं। फिर से मैं इस सौगात के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का, मैंने कहा ना कि दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी हैं। एक किस्सा मुझे याद है कि विधानसभा में परिसर के अंदर मैंने घोषणा की कि जो मिलावट करता है उस पर रासुका लगाऊंगा, FIR दर्ज करूंगा, जिला बदर करूंगा। मुख्यमंत्री जी के पास गया, उन्होंने कहा तुलसी सिलावट तुमको निर्देश है, इस मध्य प्रदेश से जो भी मिलावट करे उसको मध्य प्रदेश में मत छोड़ना, जब तक ये नासूर मिलावट का मध्य प्रदेश से बाहर नहीं हो। रोज आज मिलावट की कार्रवाई कौन से जिले में, कौन से संभाग में हुई, ये मुख्यमंत्री जी रोज पूछते हैं। मैंने कहा था ना कि ये मिलावट का धंधा एक दिन में इतना बड़ा नहीं हुआ, कई वर्षों से मिलावट करने वाले इस मध्य प्रदेश में फूल रहे थे, बड़े हो रहे थे, पर जहां कमलनाथ जी का नाम आ जाए, अब ये धंधा जड़ से समाप्त करके ये उनका मंत्री
चैन से तभी बैठेगा कि मिलावट करने वाला मध्य प्रदेश में नहीं रहेगा। फिर से मैं इंदौर की जनता की ओर से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये सौगात ये मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के इंदौर के साथ समग्र मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति की बात 24 घंटे सोचते हैं। मैंने कहा था ना कि दृढ़ इच्छा शक्ति ये सरकार में है। पिछले सैंपल हजारों की संख्या में आज भी लंबित पड़े हैं, पर यह सरकार मात्र 8 महीने बने और काम 5 महीने। 90 दिन की आचार संहिता लगाई, यह नतीजा आपके सामने। यह मेट्रो 5 महीने के अंदर इंदौर की गलियों में दौड़ने के लिए हम प्रयास रहते हैं। जिस प्रकार से जीतू भाई ने कहा ना, एक तरफ अनुभव, एक तरफ ऊर्जा, जब दोनों मिल जाती है तो ये ट्रेन भी कमलनाथ जी की विश्वास के प्रति, जो उनके सोच के प्रति, जल्दी दौड़ेगी। फिर से इस सौगात के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।